लोग अपने बचपन से सुन रहे हैं कि मेरठ में पुलिस ने छूट दी, मलियाना में पुलिस ने छूट दी, छूट के साथ खुद भी काम किया, इलाहाबाद में छूट दी, कानपुर में छूट दी, और गुजरात के जो आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट जेल में हैं उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि पुलिस को कहा गया था कि दंगाइयों के रास्ते में नहीं आए। इस पूरे त्योहारों में राम जी जो है मंदिर से निकलकर मस्जिद में बस गए हैं, तो मस्जिद के सामने डांस करके उनको याद किया जा रहा है। हर तरह के प्रोवोकेटिव स्टेप्स मुसलमानों को प्रोवोकेट कर वॉल्यूम हाई करके डांस किया जा रहा है, कभी मुल्ले काटे जाएंगे गाना बजाया जा रहा है। आप कि बीजेपी अगर अपनी पॉलिटिक्स कर रही है तो वो उसकी अपनी पॉलिटिक्स है, लेकिन नाराजगी और शिकायत इन पार्टियों से है जो पार्टियां हमारा वोट लेती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। हम ये इक्वल नहीं करते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एक जैसी पार्टी है, लेकिन मूलतः ये डरपोक पार्टियां हैं जो अपने सहयोगियों के साथ में, अपने समर्थक के साथ में, अपने नेताओं के साथ में और अपने वोटर के साथ नहीं खड़ी। योगी और मोदी का मीडिया है कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी करी, फिर FIR करी जाती है, फिर उनको जेलों में डाला जाता है, आर्बिट्री अरेस्ट होती हैं और फिर उसके बाद बुलडोजर चला दिया जाता है। इतना दबाव आपके ऊपर बना दिया जाता है कि आप कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करते। कोर्ट के पूरे अभियान को चलाने वाले संघ परिवार के नेता कमल गौतम के फेसबुक से डाला गया और फिर किसी की दुकानों पर निशान लगा दिए गए हैं, किसी की दुकानों को अल्टीमेटम दे दिया गया है, किसी किराएदार को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आप मकान खाली कर लें। तो सरकार और भाजपा की पुलिस होती है, ये पत्थरबाजी उन स्टेट्स में क्यों नहीं हो रही जिन स्टेट में भाजपा की सरकार नहीं है, तो ये पत्थरबाजी उन इलाकों में क्यों नहीं होती है, ये पत्थरबाजी उन्हीं इलाकों में क्यों होती है? और पत्थरबाजी आपने कही तो झंडा उतारने का वीडियो पूरे संसार में मौजूद है, पत्थरबाजी का वीडियो कहाँ है? आज तक सिर्फ ये जो जिनको आप मेन स्ट्रीम कह रहे हैं, हम इनको मेन स्ट्रीम नहीं बल्कि बीजेपी के चैनल्स कहते हैं, तो ये बीजेपी के चैनल ये बात कह रहे हैं कि जुलूस जो निकले नवरात्रि के या रामनवमी के उन मुसलमानों ने पत्थरबाजी करी। बट वेर इज द एविडेंस? एविडेंस कहाँ है? एविडेंस तो वीडियो में हमने ये देखा कि ये एक आदमी जो है वो मुसलमानों को घर पे चढ़ा, झंडा उतारा और दीवार गिरा दी, तो ये वीडियो है। फिर वो वीडियो कहाँ चले गए जहाँ पर मुसलमानों ने पत्थरबाजी करी? तो असल मसला ये है कि एक तरह का एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है मीडिया के जरिए, जो बीजेपी का और सरकार का, योगी और मोदी का मीडिया है, कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी करी, फिर FIR करी जाती है, फिर उनको जेलों में डाला जाता है, आर्बिट्री अरेस्ट होती हैं और फिर उसके बाद बुलडोजर चला दिया जाता है। तो ये बुलडोजर से लेके चलाने का सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को साइकोलॉजिकली डाउन करने का, उनको ख़त्म करने का और अपने वोटर को कि मुसलमानों को टाइट कर दिया है उसका मैसेज है। उसके अलावा जहां भी वीडियो मिले हैं वहां पर राइट विंग हिंदू ग्रुप्स के वीडियो मिले हैं, कहीं पर आज तक मुसलमानों के पत्थर चलाने का कोई वीडियो सामने नहीं आया। क्या आपको नहीं लगता कि एक तरफ से, माने ठीक है एक तरफ से आपने कहा कि शरारत हुई है, क्या दूसरी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई होगी पत्थरबाजी की? वैसे इज द एविडेंस, कहीं पर भी अगर मुसलमानों ने पत्थर चलाए हैं तो उनका वीडियो शामिल क्यों नहीं है, उनका वीडियो सामने क्यों नहीं आ रहा? क्यों आप जो है हमारे पास जो वीडियो आ रहे हैं तो लग रहा है कि इस पूरे त्योहारों में राम जी जो है मंदिर से निकलकर मस्जिद में बस गए हैं, तो मस्जिद के सामने डांस करके उनको याद किया जा रहा है? हर तरह के प्रोवोकेटिव स्टेप्स मुसलमानों को प्रोवोकेट करने के लिए लिए जा रहे हैं, कभी मस्जिद के झंडे उतारे जा रहे हैं, कभी जो है मीनार पे चढ़ा जा रहा है, कभी मस्जिद के सामने वॉल्यूम हाई करके डांस किया जा रहा है, कभी मुल्ले काटे जाएंगे गाना बजाया जा रहा है। आप मुझे इस पूरे 50 एपिसोड के मुकाबले एक एपिसोड बताइए जिसमें मुसलमानों ने इसका जवाब दिया हो या इस तरह की हरकत करी हो। छतरपुर में कहा गया कि मुसलमानों ने पत्थर चलाए, कोई वीडियो नज़र नहीं आया। एक आध कुछ लोगों ने पुलिस के जब पिटाई के विरोध में कहीं कुछ करने की कोशिश करी तो मकान गिरा दिया गया, मकान बताया गया अवैध है, जो गाड़ियां खड़ी थी उनको भी बुलडोजर चला दिया गया कि वो भी अवैध है। तो पूरे देश में भाजपा शासित राज्यों में एक कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना मुसलमानों के लिए खतरनाक और प्रताड़ित करने वाला हो सकता है। इस पे शर्त लगी है, कभी योगी की, कभी आसाम के चीफ मिनिस्टर की, कभी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की, और इस रेस में मुसलमान पिस रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि रात के टाइम अर्णव गोस्वामी को मुकदमे को खोलने वाला कोर्ट इस मामले में
उस तरह से काम नहीं कर रहा जिस तरह से करना चाहिए। लेकिन बुलडोजर के मसले पर लखनऊ कोर्ट ने और आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको अगर हमारे ऑर्डर की अवहेलना करनी है उत्तर प्रदेश सरकार को तो जाइए करिए, फिर जो हमारे समझ में आएगा वो हम कार्रवाई करेंगे, उसके लिए तैयार रहिएगा। तो हमें लग रहा है कि आज के इस ऑर्डर के बाद इस पूरी आर्बिट्री अरेस्ट पे, मस्जिदों के सामने डांस पे कोर्ट कुछ करेगा, और अगर नहीं करेगा तो हमारे जैसे लोग एक अगली पिटीशन इसी पे लेके जाएंगे। पर इन पूरे मामलों को लेकर, जैसे अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जहां रूल कर रही है वो स्टेट है, वहां पर ये घटनाएं आ रही हैं, तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, ठीक है बीजेपी सत्ता में है, विपक्षी जो दल है उनका क्या कर्तव्य है? जो उनके पास भी तो वोट जाता होगा ना, उनकी भी संविधान बचाने की कोई जिम्मेदारी होगी? विपक्षी दल अगर ये काम कर रहे होते तो हमारे जैसे सिविल सोसाइटी के लोगों को कोर्ट में जाने की, फैक्ट फाइंडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और ये देखा जाए तो इस समय जो विपक्षी पार्टियां हैं वो राजनीतिक पार्टियां नहीं बल्कि उनको डरपोक पार्टी कहना चाहिए, सारी डरपोक पार्टी हैं। कोई एक स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं है, अपने वोटर्स के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी अगर अपनी पॉलिटिक्स कर रही है तो वो उसकी अपनी पॉलिटिक्स है, लेकिन नाराज़गी और शिकायत इन पार्टियों से है जो पार्टियां हमारा वोट लेती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। हम ये इक्वल नहीं करते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एक जैसी पार्टी है, लेकिन मूलतः ये डरपोक पार्टियां हैं जो अपने सहयोगियों के साथ में, अपने समर्थक के साथ में, अपने नेताओं के साथ में और अपने वोटर के साथ नहीं खड़ी। नदीम भाई, जो दैनिक भास्कर का स्टिंग है उसमें एक बात सामने आई कि पुलिस ने 2 घंटे की छूट दी दंगाइयों पर, 2 घंटे की छूट आप जो करना कर दी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इससे पहले हम लोग अपने बचपन से सुन रहे हैं कि मेरठ में पुलिस ने छूट दी, मलियाना में पुलिस ने छूट दी, छूट के साथ खुद भी काम किया, इलाहाबाद में छूट दी, कानपुर में छूट दी, और गुजरात के जो IPS ऑफिसर संजीव भट्ट जेल में हैं उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि पुलिस को कहा गया था कि दंगाइयों के रास्ते में नहीं आए। तो ये जो दैनिक भास्कर का स्टिंग ऑपरेशन है, इससे आपको बहुत सरप्राइज या आश्चर्य में नहीं आना चाहिए। ये बीजेपी की सरकारों की पुरानी स्टाइल है जिसमें वो पुलिस को होस्टाइल करके, पुलिस को रोक करके और दंगा करवाते हैं। संघ परिवार की जो राजनीतिक पार्टी भाजपा है, अगर उसकी सरकार होती भी है या नहीं भी होती है तो इतना दबाव आपके ऊपर बना दिया जाता है कि आप कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करते, कोर्ट के फैसले का वेट नहीं करते, बल्कि आपके ऊपर इतना दबाव बनाया जाता है कि एक जो स्पेशल अथॉरिटी बिल्ड करी गई है उस अथॉरिटी के दबाव में या उसके फैसले पर आप ये काम करना शुरू कर देते हैं। बहरहाल, जब ये संजौली में विवाद हुआ तो एक फैक्ट फाइंडिंग टीम, जिसका मैं कुछ दिनों के लिए हिस्सा था और बीच में मुझे आना पड़ा, उसकी कुछ वजह थी, हम लोगों ने सोलन से इस फैक्ट फाइंडिंग की या इस ग्राउंड पे जाने की शुरुआत करी। सोलन के बाद शिमला, जिसमें संजौली उसका हिस्सा है, और जिस दिन हम शिमला पहुंचे उस दिन टेकंदर जी और उनके साथियों ने एक शानदार 20 मार्च रखकर ये बताने की भी कोशिश करी थी कि समाज में हवा सिर्फ एक तरफ की नहीं चल रही है, तो वो अपनी बात बना रखेंगे। तो शिमला, संजौली और उसके बाद पालनपुर, मंडी और कुल्लू, तो इन इलाकों में जहां जहां इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन की, वायलेंस की या लूट की जो वारदात हुई है मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि इस बार हमने टाइटल माइनॉरिटी नहीं रखा, क्योंकि खुलकर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हुई है और उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा है, दुकानें बंद करके आना पड़ा है, और जो छोटे मोटे कारोबार करने वाले या जो छोटे मोटे फेरी लगाने वाले मुसलमान थे उन्होंने राज्य को छोड़ दिया है। तो ये तमाम चीजें जो शुरू हुई, इसमें हम लोगों की जो ये रिपोर्ट है वो राज्य के पूरे पॉलिटिक्स के बारे में तो बात करती है, लेकिन स्पेसिफिकली सोलन, शिमला, मंडी, पालनपुर और कुल्लू, इन इलाकों के बारे में बात करती है। और कोई एक घटना या दो घटनाएं नहीं है बल्कि सीरीज ऑफ द इंसिडेंट्स हुए हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं। किसी की दुकानों पर निशान लगा दिए गए हैं, किसी की दुकानों पर अल्टीमेटम दे दिया गया है, किसी किराएदार को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आप मकान खाली कर लें। तो एक तरफ तो अटैक राइट विंग का है, लेकिन उसके साथ साथ
सबसे बड़ी नाकामी हिमाचल की सरकार की है जो लॉ एंड ऑर्डर के इस पूरे इशू को मेंटेन नहीं कर सकी। तो अब हम लोग जब पहुंचे तो हमारे पहुंचने से पहले हमारी फोटो वायरल कर दी गई और फोटो ये कहकर वायरल की गई कि ये 5 आतंकवादियों का ग्रुप शिमला में घुसा है और इनका काम गड़बड़ी फैलाना है। और ये फोटो इस पूरे अभियान को चलाने वाले संघ परिवार के नेता कमल गौतम के फेसबुक से डाला गया और फिर जितने भी राइट विंग के व्हाट्सएप ग्रुप्स थे उन पर डाल दिया गया। हम लोगों को यहां तक ये भी नहीं मालूम था कि हमारी फोटो राइट विंग के व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रही है। कहीं से खबर लगी तो हमारे दोस्तों ने बताया, तो आप अंदाजा करें कि किस लेवल की वल्नरेबिलिटी का हमको सामना करना होगा। हमने ऑलरेडी इसकी शिकायत हिमाचल पुलिस से करी है, कंप्लेन नंबर मिल गया है, लेकिन कार्रवाई अभी तक कुछ भी नहीं हुई। साइबर सेल में भी करी गई है, वहां के थाने में भी करी गई, थाने ने पहले लेने से मना कर दिया एप्लीकेशन, तो वो बाईपोस्ट भेजी गई। तो बरार इन सब के उसमें आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हम लोग यहां पर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सालों से काम कर रहे हैं, या वो जर्नलिस्ट जो लगातार सालों से काम कर रहे हैं, उनको अगर इस लेवल की वल्नरेबिलिटी को फेस करना पड़ता है, तो जो एक उत्तर प्रदेश पश्चिम का, सहारनपुर का या मेरठ का रहने वाला मजदूर या लेबर या फेरी वाला, वो किस लेवल की वल्नरेबिलिटी का सामना कर रहा हो। तो ये बहुत सारे सवाल हैं अलग अलग जिलों के, जिसपे मेरे दोस्त कौशिक और सृष्टि इस पे आगे अपनी डिटेल पे बात रखेंगी, फिर हरियाणा और हिमाचल से आए वो मेरे दोस्त।